खनिज विभाग जिले में काफी ज्यादा तादाद में राजस्व देने वाला विभाग है। इन दिनों खनिज विभाग की टीम जहां एक ओर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर समझाइश देकर भी राजस्व एकत्र करने में जुटी हुई है। हमारी टीम ने खनिज विभाग के जिम्मेदार आर के दीक्षित से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं इस समय मौजूद हूँ खनिज विभाग में। हमारे साथ प्रभारी अधिकारी खनिज आर के दीक्षित जी। रीवा में या यूं कहा जाए पूरे देश प्रदेश में मार्च अंतिम समय माना जाता है कैलेंडर के हिसाब से सरकारी। हम आज जानने समझने की कोशिश करेंगे पिछले साल का क्या है स्थिति, क्या खनिज विभाग ने कमाया क्या गंवाया, तमाम ऐसे सवाल जिनके आज हम सवाल लेंगे आज के दीक्षित जी से। सर, मेरा पहला सवाल, क्या स्थितियां हैं अभी तक की राजस्व को लेकर? वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज विभाग को 70 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें वर्तमान तक 45 करोड़ के ऊपर खनिज विभाग ने जुटा लिए हैं। शेष राजस्व है उसके प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी संभावना है कि माह के अंत तक हम 100% राजस्व वसूल कर लेंगे। सर, पिछले साल आपका क्या राजस्व कलेक्शन था? पिछले साल की तुलना में इस वर्ष तक हमने 62 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया था। वर्तमान वर्ष में और पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो कुछ फैक्ट्री संचालन में और कुछ खनिज मांग और सप्लाई में कमी आई है, जिस वजह से राजस्व में कमी दृष्टिगोचर हो रही है। आपने पिछले साल 62 करोड़ की बात की, इस साल अभी तक 45 करोड़ की बात की, राजस्व में काफी कमी, किस तरीके से अब चंद लम्हे ही बचे हैं मार्च खत्म होने, किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं, किस तरीके से आप इसको पूरा कर पाएंगे? अभी वर्तमान में जिला प्रशासन के माध्यम से जो बकायादार हैं, जो फैक्ट्री संचालक हैं जिनके ऊपर रॉयल्टी बकाया है, उन पर दबाव नियमित बनाया जा रहा है और पूर्ण उम्मीद है कि उनके द्वारा राजस्व कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो और भी छोटी खदान धारक हैं उनको नित्य प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो उनकी अधिकतम मात्रा है उसमें वो उत्खनन कार्य करें और रॉयल्टी सरकार के खाते में जमा करें, जिससे हमारा राजस्व पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। राजस्व पूर्ण रूप से प्राप्त हो, इसकी तैयारी हमारी जोरों से। हमारे साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम भी लगातार सड़कों पर है। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ जो भी खनिज का काम कर रहे हैं उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा पैसा रॉयल्टी ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें, ये कहना है आपका। सवाल एक यहाँ पर यह भी होता है कि मार्च में ही आप लोगों की तैयारियाँ क्यों थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देती हैं? ज़्यादातर कंपनियों के द्वारा जो अतिरिक्त रॉयल्टी जमा करने के प्रयास रहते हैं, सभी कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो मार्च के माह में होता है और मार्च माह में जितने भी संविदाकार हैं जो शासकीय निर्माण कार्य करते हैं उनके बिल देयक भी मार्च में ही बनते हैं। उनके द्वारा जो प्रयुक्त गौण खनिज है उसकी पेमेंट भी मार्च माह में उनके बिल के साथ ही की जाती है, इसलिए मार्च के माह में राजस्व अधिक प्राप्त होने की संभावना रहती है और विभाग द्वारा अंतिम जो त्रैमास है उसमें अधिक से अधिक कार्रवाइयाँ की जाती है। अधिक से अधिक कार्रवाइयाँ की जाती है। सर, एक सवाल हमारा और भी है, पिछले दिनों आपने बालू उत्खनन पर खास तौर से नजर रखी थी, एक चैन माउंटेन मशीन भी पकड़ी थी, तरह तरीके से अगर हम तराई अंचल की बात करें तो आपने कई मशीनें वहां पर बालू निकालने वाली पकड़ी और उसको ख़त्म भी किया, उसको डैमेज भी किया, तो ये आखिर ये समस्याएं क्यों आती हैं और इससे क्या लाभ होता है सरकार को और क्या किस तरीके से आप इस पर नज़र रखते हैं? रीवा ज़िले में एक रिवर तमस रिवर है जो वर्ष भर पानी से भरी रहती है, इसकी तलछटी में जो सिल्ट है वहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो सिल्ट का उपयोग अपने घरेलू कामों में लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग कमर्शियल उपयोग रेत के रूप में नहीं होता है, इस वजह से वो सिल्ट है और सिल्ट की ही शिकायतें ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन जो छूट प्राप्त है नियमों में वो ग्रामीणों को और अन्य कास्ट के लोगों को प्राप्त है जो अपने घरेलू उपयोग में उसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें रॉयल्टी को छूट प्राप्त है। पिछले माह में ये देखा गया था, इसी आड़ में कुछ दूसरे राज्य के व्यक्तियों द्वारा मशीनरी का उपयोग करते हुए रेत निकालने का प्रयास किया था, जहाँ शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और हमने करीब 1 दर्जन से अधिक जो लिफ्टर मशीन है उनको हमने न केवल नष्ट किया बल्कि जलाकर उनको अधिक गहराई में डुबोया था, जिस वजह से मशीनरी से वर्तमान में तराई अंचल में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होने की सूचना मिली है और
स्थानीय लोगों को जो छूट प्राप्त लोग हैं उनके हित प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। बाकी जो मेन सोर्स है रीवा जिले में रेत जहाँ से आती है वो शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिले हैं, जहाँ पर बड़ी नदियाँ विद्यमान हैं, वहाँ से रेत नियमित आती है, यहाँ पर भंडारित होकर उसकी जो कार है वो किया जाता है। ये थे हमारे साथ आरके दीक्षित, जिनका साफ तौर से कहना था तराई अंचल में जो भी निकाली जाती है रेत वो रेत नहीं है, उसका इस्तेमाल व्यवसायिक कामों में नहीं होता, कुछ लोग अज्ञानता बस उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हमारी नजर इस समय राजस्व वसूली पर बनी है।